जी भाई, मैं बात कर रहा हूँ आज एशिया पावर ऑफिस। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो कि मैं सही बोल रहा हूँ। एशिया पावर ऑफिस, एशिया पावर कंसल्ट पावर जो कैसी ऑफिस है, नहीं है तो आप मेरी वीडियो को देखें और एशिया पावर के बारे में पूरा डिटेल्स लें, ये किस जगह पे है नहीं है आपको पूरा डिटेल्स मिले और मैं आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दूँ। मेरी यही एनी टाइम दिल से यही रहता है कि मैं आपको अच्छे जगह भेजूँ, अच्छे ऑफिस से भेजूँ, अच्छी कंट्री भेजूँ। तो चलिए शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी वीडियो बने रही और मैं आपको बताऊँ एशिया पावर ऑफिस का पूरा डिटेल्स, एड्रेस, लोकेशन, उसका ईमेल आईडी, उनका कांटेक्ट नंबर पूरा। तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे इस वीडियो पे। हेलो दोस्त, नमस्कार, मैं रोहित, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इनो हेल्प पे, जो कि गल्फ से रिलेटेड में वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्त, जैसे कि मैं आपको बताता था कि बेस्ट ऑफिस कौन सा है, नहीं है, किस ऑफिस से जाए, नहीं है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे और मैं उनका रिप्लाई भी करता था। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं आज के ये वीडियो टॉपिक, जो कि मैं जानता हूँ, जो मैं इन्फॉर्मेशन निकाला हूँ, कौन सा ऑफिस बेस्ट है, नहीं है, क्या है, नहीं, उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एशिया पावर ऑफिस। एशिया पावर ऑफिस कैसी है, नहीं है, ये कहाँ है और किस जगह पे है और इसका हेड ब्रांच कहाँ है, जो अपने इंडिया से भी आउट ऑफ इंडिया में है वो कहाँ है, नहीं, उसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ एशिया पावर ऑफिस की। एशिया पावर ऑफिस मुंबई में उसका हेड ब्रांच है, दूसरे नंबर फिर दिल्ली में हो, मुंबई, दिल्ली, फिर चेन्नई, फिर केरला, ये सब कंट्रीज़ में आपका एशिया पावर ऑफिस है, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब जगह पे एशिया पावर ऑफिस है। एशिया पावर ऑफिस कैसे, अब बात करते हैं। एशिया पावर के टोटल 7 ब्रांच हैं, जो कि इंडिया में भी हैं और इंडिया से आउट ऑफ इंडिया भी है, जो कि उनके 7 ब्रांच है टोटल। तो ये अच्छी कंसल्टी है, अच्छा ऑफिस। इसके अंदर 100 क्लाइंट है, यानी कि 100+ क्लाइंट इनके पास आते हैं और ज़्यादातर ये रिफाइंड ऑयल प्रोजेक्ट का काम कराती है। नॉर्मल ये प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एसी टेक्नीशियन, लेबर, हेल्पर, जो भी ट्रेड आते हैं, नहीं, A to Z, यानी हेल्पर ट्रेड से लेके एक हाई प्रोजेक्ट तक आप जाते हो, अकाउंटेंट हो, डिपार्टमेंट हो, डेवलपमेंट हो, जो भी डिपार्ट पे जाते हो, हर चीज़ की इनके पास वैकेंसी आती है। अब बात करते हैं इनकी ऑफिस कैसी है, नहीं है, तो चलिए देखता हूँ ये ऑफिस कैसे। ये ऑफिस बहुत अच्छी है एशिया पावर, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ही मुझसे पूछते हैं कि भाई मुझे बताओ, मैं उत्तराखंड से हूँ, जिससे कार मैंने देखा मैसेज, मैं हर मैसेज का रिप्लाई हर सेकंड पे दिया, हर सेकंड पे दिया। मैं बहुत सारे लोगों को बताया भी कि भाई अच्छे ऑफिस से जाओ, गुड ऑफिस से जाओ। तो एशिया पावर जो ऑफिस है, ये ऑफिस कैसी है, एशिया पावर ऑफिस मेरे हिसाब से, और बहुत सारे मैंने पूछा दोस्त लोगों से पूछा, उन्होंने बताया एशिया पावर ऑफिस सही है। इससे आप पावर ऑफिस की खासियत क्या है, इनके पास आप डायरेक्ट जाएं, ये अपना खुद एक कार्ड देते हैं और डायरेक्ट आप जाएं, जैसे कि राहुल मित्तल इंडस्ट्रीज़ में, राहुल मित्तल इंडस्ट्रीज़ जो कि अपना मुंबई में है, वहाँ पे एशिया पावर ऑफिस है। मैं एशिया पावर ऑफिस का पूरा डिटेल्स मुंबई, बड़ौदा, दिल्ली, केरला, चेन्नई, नेपाल, इजिप्ट, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ का भी ये है, मैं सारा डिटेल्स आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एशिया पावर ऑफिस बेस्ट ऑफिस है, जो कि मैं पूछता रहता और समझता रहता एशिया पावर ऑफिस कैसी है, नहीं, हर दोस्त से मेरी बातचीत होती रहती है, मैं उनसे सबसे पूछता रहता हूँ। एशिया पावर ऑफिस सही है, यानी कि अच्छा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। हम विदेश जो आते हैं बस ऑफिस के भरोसे आते हैं, बाकी बीच में कुछ नहीं होता। आप पास इस बात को आप भी अच्छे जानते हो और मैं भी जानता हूँ। एशिया पावर ऑफिस मेरे हिसाब से, मैं जिस हिसाब से देखा हूँ, जिस हिसाब से मैं दोस्त लोगों से पूछा, उन्होंने भी कहा एशिया पावर ऑफिस सही है। तो दोस्त, एशिया पावर ऑफिस जाए, वहाँ से भी आप अपना डायरेक्ट काम करा सकते हैं। एशिया पावर ऑफिस अच्छा ऑफिस है, इसका पूरा डिटेल्स एक किस जगह पे नहीं है, मैं इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। आप डिस्क्रिप्शन से उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप निकाल कर आप उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्त, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और मेरे इनू हेल्प को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्त लोगों के पास शेयर करना, जो विदेश आना चाहते हो, जो फॉरेन कंट्री में जॉब करना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले और वो अच्छे से कमाएं, अच्छे से रहें। तो धन्यवाद, शुक्रिया, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट टॉपिक पे। याद रहे, मैंने एशिया पावर ऑफिस के बारे में मैंने बोला, एशिया पावर ऑफिस, मैं किसी ऑफिस के बारे में किसी से पैसे लेके उसका नहीं बताता हूँ कि वहाँ मैं पैसे, नहीं, ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। मैं खुद से, मैं जिस स्ट्रगल्स करके निकला हूँ, जिस ऑफिस में बात किया हूँ, मैं उस ऑफिस में बात करता हूँ। ओके दोस्त, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद, आज के लिए शुक्रिया और जय हिंद। वंदे मातरम, खुश रहे और आबाद रहे। और आज का COVID-19 का जो केस है सऊदी अरब में, मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब का एक COVID-19 केस है, लगभग मैं आज 75, यानी कि सिर्फ 75 रह गया है, और जिन्होंने भाई ने डबल वैक्सीन ले रखा है वो सऊदी अरब आ सकते हैं। ये मेरा आज का बोनस पॉइंट था। तो थैंक यू सो मच दोस्त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। आज के लिए धन्यवाद।